महाराष्ट्र की राजनीति पर केसीआर जी का कोई असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा तो तेलंगाना की राजनीति। अगर केसीआर जी है ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे, और वो हार के डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ा काफिला लेकर महाराष्ट्र में केसीआर साहब घुस गए, बड़े बड़े टेंट लगाए फाइव स्टार, लेकिन वहाँ दिल्ली में उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट गई। 12 या 13 एक्स मिनिस्टर्स उनके, एक्स एमपी कांग्रेस में चले गए। ये लड़ाई कांग्रेस और केसीआर की है, लेकिन फिर भी हमारे ये कहना है कि हम दोनों में बैठकर कुछ बातचीत हम करेंगे, लेकिन तेलंगाना में इस प्रकार से राजनीति हो रही है और उसका बदला आप महाराष्ट्र में लेने जा रहे हो तो मैं कहूँगा आप बीजेपी के लिए काम करें, आप बीजेपी की बी टीम, और उसका खामियाजा आपको तेलंगाना में भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में कोई परिणाम नहीं होगा। यहाँ महाविकास आघाड़ी मजबूत है, मजबूत रहेगी। 4 या 5 साल पहले हैदराबाद से ही एमआईएम के ओबीसी यहाँ आए थे, अब उसी हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर साहब को भेजा है। ऐसा लगता है केसीआर साहब एक लड़ने वाले नेता है, उनकी इमेज लड़ने वाले नेता की है। आप ऐसे बीजेपी को सरेंडर क्यों हो रहे हो भाई, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता महाराष्ट्र। और आप विट्ठल भक्त कब से हो गए, आप मंदिर में आ रहे हैं ना पंढरपुर में, इतने साल से आप राजनीति में हो, 2 टर्म आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, आप केंद्र में मंत्री रहे हो, आप आंध्र के मंत्री रहे हो, आप बहुत बड़े नेता हो, आप लोकप्रिय नेता हो, लेकिन इतने सालों में आपको ये नहीं लगे पंढरपुर जाकर विठोबा का दर्शन करना चाहिए। अचानक से आपको क्या हमारे भगवान ने इतना बड़ा काफिला लेकर बुलाया है क्या कि शक्ति प्रदर्शन करो पंढरपुर में आकर? महाराष्ट्र में कुछ लोगों को आपने पकड़ा है, पैसे की ताकत से खरीदा है, पब्लिसिटी के लिए बहुत करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जितनी ताकत महाराष्ट्र में लगाओगे आप तेलंगाना में कमजोर हो जाओगे और तेलंगाना में हार जाओगे। महाराष्ट्र की राजनीति पर केसीआर जी का कोई असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा तो तेलंगाना की राजनीति। अगर केसीआर जी है ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे, और वो हार के डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ा काफिला लेकर महाराष्ट्र में केसीआर साहब घुस गए, बड़े बड़े टेंट लगाए फाइव स्टार, लेकिन वहाँ दिल्ली में उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट गई। 12 या 13 एक्स मिनिस्टर्स उनके, एक्स एमपी कांग्रेस में चले गए। ये लड़ाई कांग्रेस और केसीआर की है, लेकिन फिर भी हमारे ये कहना है कि हम दोनों में बैठकर कुछ बातचीत हम करेंगे, लेकिन तेलंगाना में इस प्रकार से राजनीति हो रही है और उसका बदला आप महाराष्ट्र में लेने जा रहे हो तो मैं कहूँगा आप बीजेपी के लिए काम करें, आप बीजेपी की बी टीम, और उसका खामियाजा आपको तेलंगाना में भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में कोई परिणाम नहीं होगा। यहाँ महाविकास आघाड़ी मजबूत है, मजबूत रहेगी। 4 या 5 साल पहले हैदराबाद से ही एमआईएम के ओबीसी यहाँ आए थे, अब उसी हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर साहब को भेजा है। ऐसा लगता है केसीआर साहब एक लड़ने वाले नेता है, उनकी इमेज लड़ने वाले नेता की है। आप ऐसे बीजेपी को सरेंडर क्यों हो रहे हो भाई, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता महाराष्ट्र। और आप विट्ठल भक्त कब से हो गए, आप मंदिर में आ रहे हैं ना पंढरपुर में, इतने साल से आप राजनीति में हो, 2 टर्म आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, आप केंद्र में मंत्री रहे हो, आप आंध्र के मंत्री रहे हो, आप बहुत बड़े नेता हो, आप लोकप्रिय नेता हो, लेकिन इतने सालों में आपको ये नहीं लगे पंढरपुर जाकर विठोबा का दर्शन करना चाहिए। अचानक से आपको क्या हमारे भगवान ने इतना बड़ा काफिला लेकर बुलाया है क्या कि शक्ति प्रदर्शन करो पंढरपुर में आकर? महाराष्ट्र में कुछ लोगों को आपने पकड़ा है, पैसे की ताकत से खरीदा है, पब्लिसिटी के लिए बहुत करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जितनी ताकत महाराष्ट्र में लगाओगे आप तेलंगाना में कमजोर हो जाओगे और तेलंगाना में हार जाओगे।